तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है रोज़गार। गोवा के यूथ, गोवा का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। कल भी शाम को मेरी कई सारे युवाओं से मीटिंग हुई, उनका एक तो दुख है कि रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके या सिफारिश के ज़रिए गलत लोगों को दी जा रही है। देर इज़ नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये ख़त्म किया जाएगा। तो कल मैंने जब उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम, उन्होंने कहा सब बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती, और या आपको CM की कंस्टिट्यूएंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूएंसी, जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूएंसीज विच है, कुछ कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ सारी नौकरियाँ जा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ये वोटर बन जाएं, तो गलत तरीके से। तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम करप्शन को, इसको दूर करेंगे। और तो फिर एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियाँ कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें, इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, हमारा DNA क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, CBI की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 MLA को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आज़ाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे, और बच्चों को रोज़गार देंगे, सबको रोज़गार देंगे, जिनको रोज़गार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपये महीना बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके, माइनिंग शुरू हो तो सकती है। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ है, साफ नीयत वाली सरकार होगी, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। लैंड राइट्स, बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनको ज़मीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसमें भी मैंने इसको पूरे इशू को एग्जामिन किया, इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू डू, लेकिन नीयत ख़राब है। यहाँ भी बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन हैं, वो अपनी ज़मीनें छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होगी। जितने लोग हैं जिनको कई कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। एजुकेशन, दिल्ली में हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया, और मुझे बहुत खुशी है, गोवा के किसी कोने में आप चले जाइए, गोवा में किसी से बात कर लीजिए, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ही विल से, उसको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं सर जो दिल्ली में आपने एजुकेशन में अच्छा काम किया है वो इधर भी कीजिएगा। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे, ताकि लोगों को फ्री में अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। हेल्थ,
फिफ्थ आइटम इज़ हेल्थ। आज पूरे गोवा के अंदर सरकारी सेक्टर में एक ही हॉस्पिटल है GMC, और उसकी भी आप लोग जानते हैं कितनी बुरी हालत है। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, प्रैक्टिकली दे आर नॉन एग्जिस्टेंट मेनी ऑफ देम। जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। उन सारी चीज़ों को छोड़िए, बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है वो फ्री में होता है उसका। अगर किसी का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है तो वो फ्री में होता है उसका। सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है, और अच्छा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, फ्री में मिलेगी। सिक्स्थ इज़ करप्शन, ये केवल हम ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता करप्शन दूर। हमने दिल्ली में करके दिखाया, गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। सेवेंथ इज 1000 रुपीज टू एवरी वुमन अबाउ 18 ईयर्स ऑफ एज। एट्थ इज एग्रीकल्चर, खेती को लेके किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं रामा राव जी से ही बहुत डिस्कशन कर रहा था, इनके भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये जनता में घूमते रहते हैं। सिसिल अभी बात कर रही थी, उनके भी बहुत आइडियाज़ हैं। खेती को लेके जितने भी इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। नाइन्थ इज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कल ही मुझसे कोई मिलने के लिए आया, कोई ट्रेडर था, व्यापारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने कहा इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री और अ न्यू ट्रेड इन गोवा। नया लाइसेंस लेना तो बहुत ही मुश्किल है, बोला पैसे भी ले लेते हैं फिर भी नहीं काम करते। इसको ठीक किया जाएगा, पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने, सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। एंड वी वॉन्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोजगार मिलेंगे। टेंथ इज टूरिज्म। गोवा पूरे देश में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज्म के लिए। इसको टूरिज्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें। एंड इट इज़ ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। 11th इज बिजली। बड़े दुख की बात है कि इतने पावर कट लगते हैं गोवा के अंदर, छोटा सा गोवा है। उसके लिए भी जो मुझे पता चला कि देर इज़ नो डर्थ ऑफ पावर इन गोवा, बिजली की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है। उसको ठीक किया जाएगा, जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की, ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। 12वां आइटम है पानी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गोवा में, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे, वो सावंत साहब वाला फ्री में नहीं, असली में फ्री में पानी देंगे। एंड 13th आइटम इज़ रोड। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, मैं तो अब खूब घूमा हूँ गोवा के अंदर, सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। ओवरऑल हमें एक फ्यूचर का गोवा बनाना है, लेकिन पास्ट को प्रिजर्व करके बनाना है। पास्ट को भी ख़त्म नहीं होने देना, पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर का गोवा बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जितनी गारंटीज दी, जो विजन रखा, उससे हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फ़ायदा होगा। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का 5 साल में फ़ायदा होगा। कैसे? हम बिजली फ्री करेंगे। ऑन एन एवरेज एक परिवार का 500 रुपए महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाता है।
तो 500 रुपये महीना 6,000 रुपये का बिजली में बच जाएगा साल में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे जिन जिन लोगों को बेरोज़गार है, जो उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको 3,000 रुपीज़ पर मंथ बेरोज़गारी भत्ता देंगे, तो साल का हो गया 36,000 रुपीज़। महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे, तो अगर दो महिला एक परिवार में हैं तो उनको 24,000 रुपये साल का मिलेगा। हेल्थ पे सबका इलाज, सारा इलाज, अच्छा इलाज देंगे, फ्री में देंगे। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हर साल का परिवार का 40-50 हज़ार रुपये, बड़ी बीमारी हो तो ज़्यादा आ जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, सब मिला मिलू के 40-50 हज़ार रुपये तो साल का बीमारी पे खर्च हो ही जाता है हर परिवार का। एजुकेशन, अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे, फ्री में एजुकेशन मिलेगी। तो अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं तो एक बच्चे का 3,000 रुपये महीना प्राइवेट स्कूल में बिल आ जाता है, तो 72,000 रुपीज़ दो बच्चों का हो गया। ये सारा ऐड करते हैं तो इट कम्स टू रफली 2 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर एनम। हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपये का फ़ायदा होगा, तो 5 साल में हर परिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से, ईमानदार सरकार बनने से, हर परिवार को 5 साल में 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा।